Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. आज हम फिर इम्तियाज सुपर स्टोर में से ग्रोसरी करके लेके आए हैं. इस दफा हम इम्तियाज गुजरात से शॉपिंग की है, तो हम आपके साथ हर एक चीज को बारी बारी ओपन करते हैं और आपको बताते हैं. वैसे जब हम भी ग्रोसरी करते थे तो हम हाथ अगर खुले हाथ के साथ भी ग्रोसरी करते थे तो हमारा जो कॉस्ट आती थी वो मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार आती थी. लेकिन महंगाई इस कदर हो गई है इस एक दो महीने के अंदर अंदर कि अब जो घर की ग्रोसरी का एक दफा का चक्कर है वो हमें 40 हज़ार तक बात गई है. और अभी हमने काफी हाथ खींच के शॉपिंग की है लेकिन फिर भी. तो आइए हम आपके साथ बारी बारी एक एक बैग को जो है अनपैक करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे प्राइजेस भरी है और फूल की वजह से हर चीज. चले लेट्स स्टार्ट विद मी. तो वन बाय वन हम आपको सारे प्रोडक्ट्स खोल के दिखाएंगे और बताएंगे हम क्या क्या लेकर आए हैं. सबसे पहले वी हैव दिस मलीब्रू का बिग लीची कोल्ड ड्रिंक. आपको पता है हर घर में जरूरत होती है, मेहमानों वगैरह ने आना होता है, कभी कुछ अच्छा कुक हो जाए, कभी कुछ बाहर से खाना आ जाए तो कोल्ड ड्रिंक एक मस्ट नीड है. तो ये है हमारे पास इसका पूरा कार्टन. इसमें वी हैव 12 यस 12 कोल्ड ड्रिंक्स. ये बिग लीची है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है. इसका एप्पल फ्लेवर भी आता है बट लोग ज़्यादातर बिग लीची को लाइक करते हैं. कोल्ड ड्रिंक्स में नेक्स्ट अप वी हैव कोला नेक्स्ट. जैसे आपको पता है कि कोला एवरीबडी लाइक द ब्लैक ड्रिंक. कुछ लोग कोक लाइक करते हैं, कुछ लोग पेप्सी लाइक करते हैं, बट कोला नेक्स्ट भी उसी की एक टाइप है. और ये उन इसकी जो रेट इसका जो रेट है वो उनसे थोड़ा कम है. तो कोल्ड ड्रिंक में एक हमारे पास ये ऑप्शन है जी. नेक्स्ट अप हमारे पास है एक घर का ज़रूरी सामान में से रोज़ पेटल का जूप किचन टॉवल. ये ऑयल वगैरह सोक करने के लिए और बाकी काफ़ी ज़रूरियात के लिए ये बहुत अच्छा है. दूसरे टिश्यूज से ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्बिंग होता है. तो हमारे पास ये एक बैग है, इसको हम बारी बारी अनबॉक्स सारे सामान को अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं. तो इसका कैप उतर गया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये एक एयर कंडीशनर. ऊपर अल अरेबिया लिखा हुआ है. दराहम इसका नाम है. ड्राई एयर फ्रेशनर है ये. तो इसकी 300 ml की बॉटल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है. थोड़ा सा आपको करके भी दिखा देते हैं जी. स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी है. उसके बाद हमारे पास ये रोज़ पेटल के जूप किचन टॉवल के दो और बैग. आपको पता है किचन में टिशू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑयल वगैरह ब्लॉक करने के लिए और बाकी सारे और कामों के लिए. तो हमारे पास इसके 3 पैक्स हैं. उसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, ये बेक पार्लर की स्पायरल मैक्रोनी. यूज़ वगैरह बनाने के लिए, टिफ़िन में बच्चों के लिए और वैसे ही घर में बहुत अच्छा स्नैक है अगर आप घर में बना लें तो. ये इनके काफ़ी सारे और भी मैक्रोनी के टाइप्स आती हैं लेकिन उसमें से ये स्पाइरल मैक्रोनी है. वैसे हमारे पास है ये कनौर की चीज़ी चटपटा नूडल्स. एक मसाला होता है इनका, एक चिकन का पैक होता है, चिकन फ्लेवर की चीज़ी चटपटा फ्लेवर है कनौर का ट्रेंडिश नूडल्स. उसके बाद है हमारे पास ये पूनम की इम्तियाज का जो कंपनी है पूनम, उसकी सौंफ का एक पैकेट. और घर की ज़रूरी चीज़ों में एक और चीज़ है इम्तियाज की, इम्तियाज का अपना डिटर्जेंट पाउडर है ये. इन्होंने भी अपना डिटर्जेंट वगैरह हर चीज़ इन्होंने अपनी लॉन्च कर ली है. तो ये कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर 700 ग्राम. उसके बाद हमारे पास कोल्ड ड्रिंक में एक एप्पल सिड्रा है. ये जैसे बिग एप्पल आती है, जैसे मैं आपको बता रही थी मलीब्रू की आती है बिग एप्पल, ये एप्पल सिड्रा ज़्यादा लाइक की जाती है. इसका फ्लेवर उससे कहीं ज़्यादा बेटर है. नेक्स्ट अप वी हैव दिस डेरी मिल्क, कैडबरी डेरी मिल्क की द क्लासिक क्रीमी टेस्ट डेरी मिल्क. ये पहले 200 रुपीज़ की थी, तो नाउ अगर हम इसका बजट चेक करें तो इट इज़ फॉर 250 रुपीज़. मतलब कि 200 वाली चॉकलेट इन्होंने आराम से 250 रुपये की कर दी है. तो आप महंगाई देख सकते हैं. नेक्स्ट अप हमारे पास है ये कुपेक्स एंटी लाइस लोशन. आपको पता है आप पाकिस्तान में आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. तो ये एक अच्छा लोशन है जो कि जो इसका क्लेम है ये पूरा करता है. तो अगर आप लोग भी कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं तो ये उसका सोल्यूशन है कुपेक्स. ये भी वैसे शॉर्ट हुआ हुआ होता है लेकिन इट इज़ अ गुड ऑप्शन. नेक्स्ट अप हमारे पास है ये बच्चों के फीडर के निपल्स शील्ड बेबी एक्स्ट्रा सॉफ्ट निपल्स. ये पैक ऑफ 2 है बच्चों के फीडर वगैरह के निपल्स जो कि बार हर मंथ या
आफ्टर 15 डेज आपको चेंज करना चाहिए हाइजीन पर्पसेस के लिए भी, तो इट्स दैट। नेक्स्ट अप हमारे पास है कोलगेट के 3 टीथ ब्रशेस, जिसके साथ ये एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफर है। ये इनके वी शेप ज़िगज़ैग इंटरडेंटल ब्रिस्टल्स हैं। इनकी ऑफ़र ये है कि बाय 2 के साथ गेट 1 फ्री। आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारे इनके कलर्स हैं, पर्पल में पिंक और ग्रीन, साथ इनके कैप्स आए हुए हैं और ये यूजेज वगैरह, तो ये एक फैमिली के लिए बहुत अच्छी एक परचेज। नेक्स्ट अप वी हैव दी सवाना के ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ब्यूटी बार्स। जैसे आपको पता है कि फैमिली बड़ी हो तो घर में साबुन वगैरह की ज़रूरत रहती है और साबुन जो है वो स्टॉक में ही आते हैं, तो लक्स और डेटोल और इस सब की प्राइसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा थोड़े बजट में रहते हैं, थोड़ी इनका जो प्राइस है वो दूसरे ब्यूटी बार से कम होती है। साबुन में हमारे पास ये एक है और एक और हमारे पास है ये तिब्बत के ड्यूलक्स ब्यूटी सोप। ये भी मेड इन पाकिस्तान, फैमिली साइज इनके सोप्स हैं। इसकी भी 2 हमारे पास पैक्स हैं। एक हमारे पास ये बात वगैरह के लिए डव का ओरिजिनल ब्यूटी बार है, ये क्योंकि थोड़ा मॉइस्चराइजिंग होता है तो कभी एक आधा आ जाता है घर में और ये बहुत लंबा यूज़ होता है। नेक्स्ट अप हमारे पास ये एक स्वालिन के लोजेंजेस हैं। गला ख़राब, जैसे आपको पता है सर्दी है और गला वगैरह ख़राब रहता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए, इफ़ेक्टिव रिलीफ फॉर कफ फ्लू एंड कोल्ड। तो ये इसके हमारे पास 6 टैबलेट्स हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास है ये ऑक्सीडेंट्स की पेपरमिंट च्युइंग गम का एक पैक है और ये कूलमिंट है, च्युइंग गम माउथ फ्रेशनर वगैरह। उसके बाद हमारे पास है ये टपाल की ग्रीन टी का ट्रॉपिकल पीच फ्लेवर का बैग। इसका एक दूसरा पैक भी आता है जिसपे इसके इनके सारे फ्लेवर्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ये भी पीच फ्लेवर इनका अच्छा है बाकी फ्लेवर्स के मुकाबले में। इसमें 30 टी बैग्स होते हैं। उसके बाद इंस्टेंट नूडल्स में हमारे पास एक और है कनॉर का पार्टी पैक चिकन फ्लेवर में, ऊपर लिखा हुआ है सेव रुपीज़ 20। इसमें 6 पैक्स होते हैं जो कि सेपरेट सोल्ड आउट भी नहीं हो सकते, तो एक क्विक स्नैक और अगर किसी को खाने के बजाय दूसरा ऑप्शन चाहिए तो नूडल्स। उसके बाद घर की नेसेसिटीज़ में हमारे पास एक और चीज़ है माचिस का एक बॉक्स। ये सुपर हॉकी की माचिस है, माचिस भी आपको पता है आजकल बहुत महंगी हो गई है, तो ये इसका पूरा पैक है। वॉशरूम क्लीनर में हमारे पास है ये डोमेक्स टॉयलेट एक्सपर्ट। हमने लोकल वाले भी कुछ यूज़ करके देखे हैं तो वो इतना कोई ख़ास उनका फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो इस पर लिखा हुआ है किल्स कोरोना वायरस इन 30 सेकेंड्स, तो टॉयलेट में जो भी कोरोना वायरस होगा वो इससे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये सुक्राल, जैसे कि अगर कुछ लोग घर में डाइटिंग कर रहे हैं या शुगर के इंटेक कम करना चाह रहे हैं तो ये एक उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। आइडियल फॉर ऑल बेवरेजेस, इसमें लिखा हुआ है 0 कैलोरीज, टेस्ट लाइक शुगर, तो ये इसका एक पैक है। उसके बाद हमारे पास है ये डस्टर पोछा, जंबो साइज है, इम्तियाज सुपरमार्केट का ही ये अपना एक आइटम है। खुला मैं आपको दिखा देते हैं, अच्छा है, ड्रॉबिन भी लग रहा है और काफ़ी चीज़ों के लिए ये कपड़ा आप पोछा यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी साफ़ करने के लिए या वैसे ही घर पे क्लीनिंग वगैरह के लिए, डस्टिंग का एक कपड़ा अच्छा। उसके बाद हमारे पास ये एक माइलो का एक्टिवो का पैक है। हम इसके छोटे पाउचेज यूज़ कर रहे थे तो अब हमें बड़ा वाला लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चे खाली मिल्क वगैरह लाइक नहीं करते, तो माइलो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और इसमें वो कह रहे हैं इसमें 6 विटामिंस और 3 मिनरल्स हैं, तो दूध में मिला के या माइलो का शेक बना के बच्चों को अगर दे दें तो ये बच्चों के मिल्क शेक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद है हमारे पास ये मिनी ओरियो ओरिजिनल का एक पैक जिसमें 12 पैक्स हैं। ये मिनी होते हैं बट ये इस तरह से, ये इसका पैक है। वाइट क्रीम वाले, चॉकलेट क्रीम वाले भी आते हैं बट ये वाइट क्रीम वाले ओरियो का एक बिस्किट्स का डब्बा है। नेक्स्ट अप बिस्किट्स में हमारे पास है नोविटा के चॉकलेट वेफर्स, तो उसमें इसमें लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा वेफर इनसाइड, तो शायद 10 पैक्स के साथ एक फ्री हो या पता नहीं वेफर एक एक्स्ट्रा हो, तो ये नोविटा के चॉकलेट वेफर्स हैं। दूसरे वेफर्स के मुकाबले में इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा और ज़्यादा क्रंची होता है।
उसके बाद हमारे पास ये ₹10 वाली कैंडीलैंड की नाव चॉकलेट का बॉक्स है, कैंडीलैंड की नाव, इसमें फज और कैरमल फिल्ड चॉकलेट है, ये भी ₹10 की, इसमें 12 पीसेज होते हैं चॉकलेट का एक बॉक्स। इसी तरह हमारे पास कैंडीलैंड के एक और चॉकलेट का बॉक्स है सोनेट, इसमें लिखा हुआ है विद पीनट एंड फज और इसमें फज एंड कैरमल, तो ये दो चॉकलेट्स की अच्छी ऑप्शंस हैं, ₹10 वाले दोनों पैक्स हैं। उसके बाद हमारे पास है ये ओरियो का चॉकलेट क्रीम वाला बॉक्स, जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक क्रीम वाला होता है और एक चॉकलेट वाला होता है, तो ये हमारे पास चॉकलेट ओरियो है, ये क्रीम ओरियो है, ये ₹10 वाले मिनी पैक्स हैं और ये भी इनका दूसरा, ये इनका मेरे ख्याल से क्रिस्पी वाला नहीं, ये ओरियो का जो नॉर्मल आता है चॉकलेट क्रीम जिसमें 4 बिस्किट्स होते हैं, ये कोई थिन और मिनी नहीं है, ये जो मेन ओरियो का होता है साइज़ ये वो है। उसके बाद हमारे पास है ये इनोवेटिव के क्रस्ट चॉको रोल्स, ये चॉकलेट रोल्स होते हैं, इसमें 15 स्नैक पैक्स हैं, इनोवेटिव के बिस्किट्स और इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं, ये इनके वेफर्स का साइज़ है, 2 वेफर्स होते हैं हर पैक में वेफर रोल्स। नेक्स्ट अप हमारे पास है ये चॉकलेट्स में एक पैराडाइज का डब्बा, हमने आपको सोनेट और नाव भी दिखाई है, तो ये एक पैराडाइज भी है, इसमें कोकोनट होता है, ये 20 रुपीज़ वाले बार्स हैं, बाकी ये दोनों ₹10 वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा आइटम है, ये फनी बनी के जम्बो लॉलीपॉप्स हैं और इनके फ्लेवर्स हैं कोला, ऑरेंज, रास्पबेरी और मिक्स बेरीज, ये दोनों इनके फ्लेवर्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं, ₹10 की पर ये लॉलीपॉप है, इट वॉज फॉर ₹3, फिर 5 की, अब ₹10 की हो गई है, इसमें 50 पीसीज हैं और ये फनी बनी की लॉलीपॉप्स हैं। इसके बाद हमारे पास लू के बेकरी बिस्किट्स हैं, ये भी चाय वगैरह के साथ बहुत अच्छा एक ऑप्शन है बिस्किट्स में, इसके भी 12 बार पैक्स हैं, खोल के नहीं दिखा रही। ओरियो की तरह का एक और बिस्किट है राइट, ये बिस्कॉनी का राइट बिस्किट है, इसमें भी वनीला क्रीम होती है, तो जो राइट लवर्स हैं वो ओरियो और राइट का डिफरेंस तो पहचानते हैं, भी बहुत अच्छे बिस्किट हैं। उसके बाद हमारे पास बिस्कॉनी के चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, इसके अंदर भी इसके 6 हाफ रोल पैक्स होते हैं चॉकलेट चिप के, भी इन्होंने मिनी और जंबो चॉकलेट चिप भी निकाले, लेकिन ये भी इनका मेन वाला पैक है, इस तरह का 6 पैक है और ये एक पैक है जो जिसकी प्राइस ₹25 है, ये चॉकलेट चिप बिस्किट्स। और इसके अलावा सर्दियाँ हैं क्योंकि और ड्राई फ्रूट्स का सीज़न है, तो एक थोड़ा बहुत स्नैक के तौर पे ये पूनम के ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स में से ये पिस्ताशो का एक पैकेट है, ये इम्तियाज़ के पूनम पिस्ताशो जल सॉल्टेड पिस्ताशो का एक पैक है ड्राई फ्रूट्स में। इसके अलावा हमारे पास जो खुल चुकी हैं पीनट्स का एक पैक है, ये इम्तियाज़ गुजरात की फ्रेश फली ₹130 की शायद, ये छोटा सा एक पीनट्स का पैक है। उसके अलावा हमारे पास एक और बहुत ज़बरदस्त सी आइटम है, ये कैंडीलैंड की टिमली है, इमली को उन्होंने टिमली का नाम दिया है, तो ये चटपटी इमली पेस्ट है बच्चों के लिए एक स्नैक थोड़ा सा, ये ₹5 का एक इनकी पैक है और ये इस तरह से लिक्विड है इमली फ्लेवर में। इसके अलावा हमारे पास स्नैक्स में कुछ और आइटम्स भी हैं, आपको बता दूँ, ये हमारे पास है पूनम के और कुछ आइटम जैसे मैं आपको ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स में बता रही थी, ये पूनम के काजू हैं ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स में, ये न्यूट्रिशनस एंड हेल्दी पूनम के काजू आ गए, ये भी हमारे पास पूनम के बादाम आ गए आलमंड्स, उसके बाद हमारे पास ये भुने हुए चने आ गए जो जिनको येलो चने कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा स्नैक है और ये बहुत न्यूट्रिशनस होते हैं, और ये पिस्ता का पैकेट जो मैं आपको पहले दिखा चुकी, तो ये सर्दियों की कुछ स्पेशल चीज़ें। इसके अलावा एक हमारे पास ये फ्रेशअप का आइसमेंट च्युइंगम का पैक है, न्यू एंड रिफ्रेश आइसमेंट में हाल इनका कोई न्यू फ्लेवर है जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड गम होती है, फ्रेशअप सबको पता है
इनका ग्रीन वाला सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये इसमें 36 पीसीज हैं। ये है लाल की फ्रेशअप का एक पैक च्युइंगम एज अ माउथ फ्रेशनर वगैरह। नेक्स्ट अब हमारे पास पीक फिन्स के रियो बिस्किट का एक पैक है। ये स्ट्रॉबेरी वनीला फ्लेवर बिस्किट्स हैं जो कि पहले 5 रुपीज़ के दो आते थे, अब ये 7 रुपीज़ का एक आता है या दो बहुत छोटे छोटे। ये पीक फिन्स का रियो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रियो है। एक और बहुत ज़बरदस्त बच्चों की आइटम है हमारे पास, ये जॉली बो के बेरी जेली टाइप है। ये मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ, ये रास्पबेरी और ब्लैक करंट फ्लेवर। इस पर फ्लेवर मेंशन नहीं किया हुआ, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं है, बस ये जेली ही लग रही है, ये जेलो ही है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और पीनट्स का पैक है, और ब्रेड वगैरह पे लगाने के लिए हमारे पास ये यंग्स की चॉकलेट स्प्रेड है, बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए ताकि वो अपना टिफ़िन चौक से खाएं, ये चॉकलेट स्प्रेड है। ड्रिंक्स में हमारे पास एक ये पकोला है, इसका फ्लेवर नहीं लिखा हुआ, लेमन फ्लेवर पकोला है ये, इसकी बहुत पतली सी बॉटल है। और एक और ड्रिंक है हमारे पास, ये विम्टो स्पार्कलिंग कार्बोनेटेड फ्लेवर ड्रिंक है, ये विम्टो की एक ड्रिंक आ गई। तो पूरी आइटम हमारे पास है, ये शैम्पू की कुछ बॉटल्स आपको दिखाएं। ये लाइफबॉय का स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू है। लाइफबॉय आपको पता है बहुत सारे लोगों की चॉइस होता है, ये लाइफबॉय का स्ट्रॉन्ग एंड थिक, जिसमें मिल्क प्रोटीन और आलमंड ऑयल है, जिसमें बादाम का तेल लिखा हुआ है। तो लाइफबॉय के शैम्पू की एक बॉटल है। इसके अलावा हमारे पास ये पैंटीन का गुड बाय समर फ्रिज शैम्पू है, जो कि सर्दियाँ हैं लेकिन फिर भी हमने समर फ्रिज शैम्पू मंगवाया है। ये यूज़ किया था तो कहीं पे अच्छा लगा था, तो वैसे तो हमने कंडीशनर का बोला था लेकिन गलती से शैम्पू आ गया। तो एक और हमारे पास पैंटीन का एडवांस हेयर फॉल सॉल्यूशन डीप ब्लैक, ये शैम्पू की बॉटल है। पता है शैम्पूज भी आजकल 700-800 रुपये से कम नहीं आता। हुआ ये था कि ये शॉपर के शॉपिंग बैग के अंदर ही ये खुल गया था और काफ़ी ज़्यादा शैम्पू जो है वो ज़ाया हो गया, काफ़ी सारी चीज़ों पे गिरा हुआ था। अब पता नहीं किसकी फॉल्ट है, जिसने पैक किया उसकी या कंपनी की फॉल्ट है, क्योंकि आधे काफ़ी सारा शैम्पू ज़ाया हो गया और सारी चीज़ें भी गंदी हो, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया था। ये शैम्पू आप देखें लीक हुआ हुआ काफ़ी ज़्यादा, पूरा इसका कैप ही खुला हुआ था, तो थोड़ा सा इसका नुकसान हो गया। ये पैंटीन का डीप ब्लैक शैम्पू है। उसके बाद फ्लेवर्ड मिल्क्स में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे पास काफ़ी सारी फ्लेवर्ड मिल्क की ऑप्शंस, सब ने अपनी अपनी चॉइस से सब लेते हैं। ये डे फ्रेश का चॉकलेट मिल्क है, ये बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अर्से से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बट इस दफ़ा हमें इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी सस्ती लगी है, बहुत अजीब सी पैकेजिंग है, लग रहा है जैसे मिल्क बिल्कुल लीक ही होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बहुत घटिया फारिक पैकेजिंग है इनकी, बट ये माइलो से इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है, ऐसी 5-10 रुपीज़। हम माइलो और डे फ्रेश का कंपैरिजन कर रहे थे कि माइलो की प्राइस ज़्यादा है इससे, और ये हमारे पास 225 ml आता है जबकि माइलो सिर्फ 180 ml आता है। तो अगर थोड़ा सा देख के इंसान शॉपिंग करे। नेक्स्ट अब हमारे पास नेस्कैफे के चिल लाटे के दो पैक्स हैं, एक चिल इनका मौका है और एक चिल लाटे है। इनकी प्राइस भी ऑलमोस्ट 95-100 रुपीज़ हो गई हुई है। एक सिंपल एक ग्लास कॉफ़ी है चिल लाटे, बट आप इसकी प्राइस देखें 100 रुपीज़। नेक्स्ट अब हमारे पास इंस्टेंट नूडल्स के कुछ और पैकेट्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पैकेट्स हैं, चटपटा फ्लेवर। ये देखिए एक और और मेरा ख्याल है बस, ये कुछ थोड़े से 50 नूडल्स के हमारे पास पैकेट्स हैं, इंस्टेंट चीज़ी चटपटा नूडल्स के काफ़ी पैकेट्स हैं, और ये एक पैक ₹50-55 का आता है। नूडल्स के अलावा घर की एसेंशियल्स में हमारे पास एक और चीज़ है, ये है पूनम की कुटी लाल मिर्च का एक पैकेट, और इसके अलावा हमारे पास है मसालों वगैरह में शान का ये हिमालयन पिंक सॉल्ट। इनके दो तरह के सॉल्ट आते हैं, लेकिन सुना है कि पिंक सॉल्ट का थोड़ा नुकसान कम होता है, ये अच्छी होती है। ये एक और हमारे पास चीज़ है, ये है पूनम का
आलू बुखारा इस तरह से पैक, काफ़ी ग्रीसी हुआ हुआ है। ये पूनम का आलू बुखारा है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास है ये पूनम का प्योर मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, खाने में यूज़ होता है। और इसके अलावा हमारे पास ये नेचर्स होम की स्लाइस ग्रीन ऑलिव्स हैं। ये ऑलिव्स का एक फुल साइज़ पैक है जिस पर आप देखें वो पैंटीन का सारा शैम्पू गिरा हुआ है, तो काफ़ी मेस क्रिएट हुआ हुआ है, शैम्पू भी जाया हुआ है। खैर, उसके अलावा हमारे पास पूनम के ये पॉपकॉर्न्स हैं, ये मकई पॉपकॉर्न बनाने के लिए और भी कुछ चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं। पूनम के हमारे पास आ गई है ये साबुत मसूर, एक किलो का इसका पैकेट। इसके अलावा हमारे पास है ये सन मैकरॉन के स्पेगेटी है। हमने पहले इस कंपनी की स्पेगेटी यूज़ नहीं की, मैदा कोई और खुला हुआ है या कॉर्नफ्लोर मेरे हाथ पे सारा गिर गया। ये स्पेगेटी है जिसका नेट वेट है 250 ग्राम, ड्रम वीट सेमोलिना इस पर लिखा हुआ है। ये सन कंपनी की मैक्रोनी है। ये है जो कि गिर रहा है, इसको भी कहीं से कोई, ये क्या है, ये पूनम का कॉर्नफ्लोर है, 500 ग्राम का पैक है, जो कि थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं चीज़ों पे गिरा हुआ है। एक और हमारे पास सन मैक्रोनी का स्पेगेटी का पैक है। और हमारे पास ये फलक का फ्लेवर्ड चिकन पाउडर है, चिकन जायका पाउडर, इसे काफ़ी खानों में और काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम है वो बेक पार्लर की होल व्हीट पास्ता स्पेगेटी है। इस पर लिखा हुआ है मेड फ्रॉम होल व्हीट फ्लोर, तो ये भी हेल्दी होती है। इसका कलर भी डार्क ब्राउन सा ही है। हमने आपको किंग कंपनी की भी कुछ दिखाई थी। नेक्स्ट हमारे पास ये इंस्टेंट नूडल के दो और फैमिली पैक्स हैं। ये चटपटा फ्लेवर है, किसी कोई चिकन लाइक करता है, कोई चीज़ फ्लेवर लाइक करता है और कोई चटपटा फ्लेवर लाइक करता है, तो ये भी दो हमारे पास इंस्टेंट नूडल के पैकेट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक डीओ है रिक्सोना का, कॉटन ड्राई एल्गोर्डन इसकी सेंट है, 48 आवर्स एंटी परस्पिरेंट, ये रिक्सोना का एक रोल ऑन है। इसके बाद हमारे पास है ये नेस्ले मिल्क पैक क्रीम का एक बॉक्स है जिसमें स्वीटेंड ब्रेकफास्ट क्रीम है। ऑलपर्स की क्रीम भी हमने यूज़ की हुई है, इसकी भी अच्छी होती है। ऑलपर्स की क्रीम अब बहुत ज़्यादा थिन आती है, बहुत लिक्विडी आती है, तो अब हम ये ट्राई करेंगे। ये भी ब्रेकफास्ट में और बाकी डेजर्ट्स वगैरह में भी ये यूज़ हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास ये एक पार्टी पिक का एक बॉक्स है, ₹30 हाफ रोल्स हैं जो कि खुल चुके हैं और आधे बिस्किट गिर चुके हैं इसमें से या शायद जी, और तो ये डब्बे की थोड़ी सिचुएशन सही नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये पूनम की दाल मूंग है अनपॉलिश्ड, पूनम की स्पाइसेस हमने आपको और भी दिखाई है। ये एक और हमारे पास चीज़ है जो कि पैकेट के अंदर है, लिफाफे में जी, ये है क्योंकि ये शायद खुली हुई है इसलिए। एक और आइटम है हमारे पास, वो है ये कैंडीलैंड की जैम मिन इसका नाम है। मैंने पहली दफ़ा इसको देखा है, लग रहा है इनका कोई न्यू आइटम है। जैम मिन पीच जैम फिल्ड मार्शमेलो बार है, तो ये ₹5 का है और इसमें 30 पीसीज हैं। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि सेंटर फिल्ड मार्शमेलो भी होता है, मुझे इसका नहीं पता था, तो इसको ट्राई करके देखेंगे। पीच जैम फिल्ड ये मार्शमेलो का बॉक्स है, मार्शमेलो बार इसका बॉक्स। इसके अलावा हमारे पास मसालों में और स्पाइसेस वगैरह में कुछ और भी चीज़ें हैं, वो है ये पहले बिस्किट्स में आपको दिखा देते हैं। ये प्रिंस का चॉकलेट बिस्किट है, 12 बार पैक्स वाला प्रिंस चॉकलेट फिल्ड बिस्किट्स। और उसके अलावा हमारे पास ये विस्पी के वेफर रोल्स हैं, चोको वनीला क्रीम, इनके जो चॉकलेट वाले आते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये अच्छे नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास है ये कैंडीलैंड का मिस्टर नटर, ये 18 पैक्स हैं, तो ये हमने ट्राई करके भी देखा, ये भी इनका एक न्यू आइटम है। देखिए पाकिस्तानी ब्रांड वगैरह भी कंपनीज जो हैं वो नई से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये मिस्टर नटर इसका नाम है और ये हमने ट्राई करके देखा है, तो इसका फ्लेवर हमें बिल्कुल M&M's जैसा लगा है। आपको पता है M&M's काफ़ी कॉस्टली पाकिस्तान में बहुत महंगे मिलते हैं, तो ये ₹20 का एक पैक है। तो चॉकलेट कोटेड पीनट्स हैं, एक हेल्दी स्नैक भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें पीनट्स हैं और इसके 18 पैक्स हैं, और ये काफ़ी अच्छी आइटम लग रही है।
हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसके अलावा मसालों में हमारे पास है ये शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला, बिरयानी यूज़ करने के लिए, और लोग इसको दूसरे आइटम्स में भी यूज़ कर लेते हैं ये बॉम्बे बिरयानी मसाला। प्राइस डिफरेंस इनमें ये है कि ये 215 का है और वो 360 का है, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है, और चीज़ों में तो इतना डिफरेंस होता नहीं है। ये इनका विनेगर है, सिंथेटिक विनेगर, ये चिली सॉस है और सोया सॉस है चाइनीज़ डिशेस में और दूसरे खानों में, इवन के इंस्टेंट नूडल में भी लोग इनको यूज़ करते हैं। तो इस पर लिखा हुआ है कि सेव ₹45, तो बजाय इसके कि हम इतना एक्सपेंसिव शंग्रीला का पैक बाय करें, तो ये एक उसके मुकाबले में अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा स्नैक्स में हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये है कैंडीलैंड के सुपर ट्विस्टर मार्शमेलो। ये ₹10 के होते हैं, ये बहुत पुराना स्नैक है, ये बहुत बचपन से इसको देखते आ रहे हैं। इस पर 24 पीसेज हैं, ये ट्विस्टर देखा होगा आप लोगों ने, मैं आपको इसका पैक दिखा देती हूँ। ये इस तरह से ये ट्विस्टर मार्शमेलो का है, इट वाज फॉर ₹5 का एक इनका पैक होता था जो कि अब ₹10 का हो गया है। ये इनका साइज़ है और यहाँ से मार्शमेलो स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज़्यादा। तो ये खैर कैंडीलैंड के ट्विस्टर मार्शमेलो, हमने कैंडीलैंड की आपको लॉलीपॉप्स भी दिखाई हैं। उसके बाद एक हम आ जाते हैं सीरियल्स पे, नाश्ते में कॉर्नफ्लैक्स और सीरियल्स यूज होते हैं। ये फौजी के चोको कॉर्नफ्लैक्स हैं और ये फौजी के चोको स्टार्स हैं, तो नाश्ते के लिए एक बहुत अच्छी हेल्दी ऑप्शन है जो लोग इंस्टेंट नाश्ता कर लें आप, और न्यूट्रिशनिस्ट भी। इसके अलावा हमारे पास ये वाइट चने हैं, इनके ऊपर भी कोई टैग नहीं लगा हुआ। उसके अलावा हमारे पास ये शंग्रीला का मैंगो पिकल है इन ऑयल, ये अचार का एक बॉक्स है। और उसके अलावा अब हम आ जाते हैं जी चिप्स की तरफ, तो हमारे पास काफ़ी सारे लेस के पैकेट हैं, आपको पता है चिप्स वगैरह घरों में वो कितना स्नैक्स बजा है इसके कि आप रोज़ रोज़ बाहर से लाएँ, क्योंकि क्रेविंग तो सबको ही रहती है। तो हमारे पास ये एक फ्रेंच चीज़ का पैक है जिसमें 6 लेस के पैकेट्स हैं ₹20 वाले, फ्रेंच चीज़ फ्लेवर लेस आ गए। हमारे पास ये सॉल्टेड क्लासिक फ्लेवर लेस का लेस के 2 पैकेट्स हैं जो कि एक अलावा है। इसके अलावा हमारे पास ये कुरकुरे का चटनी चस्का का ₹20 वाला पैक है, इसका साइज़ इतना है ₹20 का, इसमें भी 6 हैं। और लेस में हमारे पास लेस का तीसरा फ्लेवर भी आ गया मसाला ₹20। उसके बाद हमारे पास ऑयल्स में ये डालडा का सनफ्लावर ऑयल है, इस पर लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल फ्री एक्टिव एनर्जी लो ड्रॉप टेक्नोलॉजी। ये 4.5 लीटर है डालडा का कुकिंग ऑयल। इसके अलावा हमारे पास ये एक बॉटल में एक क्लीनर सुपर परफ्यूम्ड वाइट फेनाइल की एक बॉटल है हमारे पास, सुपर परफ्यूम्ड वाइट, और इस पर लिखा हुआ है जर्म किलिंग भी है फॉर परफेक्ट सैनिटाइजेशन हाइजीनिक लिविंग। एक फेनाइल की बॉटल है हमारे पास। डिटर्जेंट्स में एक बहुत बड़ा सा एक पैक है, इससे पहले मैंने इतना बड़ा पैक कभी नहीं देखा। ये सनलाइट का 2-in-1 क्लीन एंड फ्रेश डिटर्जेंट है, इसकी एड भी बहुत ज़्यादा आती थी टीवी में जिसमें से दुपट्टे में से ढेर सारे फूल और लीमू निकलते थे। तो ये बड़ा पैक बड़ी बचत, ये सनलाइट का वॉशिंग पाउडर है, इसमें कोई गहरी सफाई और महकती ताजगी। ये 4 kg का इनका पैक है, 4 kg का इनका पैक है, काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये वेजिटेबल्स में एक आलू की बोरी है, मुझे नहीं पता इनकी क्वांटिटी कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ये छोटे वाले आलू हैं। इसके अलावा टिश्यू पेपर्स में हमारे पास ये 2 पैक्स हैं, ये भी किचन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ये रोज़ पेटल का पार्टी पैक है। ये टिश्यू तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं लेकिन ये बहुत इतने पतले होते हैं और कम एब्जॉर्बिंग होते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मतलब एक टाइम पे आपको 2 से 3 तो यूज़ करने ही पड़ते हैं, आलू की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ गया। ये रोज़ पेटल का 2रा पैकेज जिस पर ₹10% ऑफ लिखा हुआ है, ₹10% ऑफ लिखा हुआ है। ये वाली टिश्यू की क्वालिटी उससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, ये वाइट है वो पिंक कलर में है।
उसके बाद हमारे पास है ये पूनम के सुपर कर्नल बासमती राइस का एक पैक, एरोमेटिक वेल क्लीन रेडी टू कुक। नेट वेट है इनका 5 kgs। तो ये उस पर लिखा हुआ है कि ये इनका एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन होता है, एज्ड राइस है। ये पूनम का सुपर कर्नल बासमती राइस का 5 kg का पैक है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं। ये है हमारे पास पूनम का, ये हमारे पास पूनम का धनिया पाउडर, काले धनिया पाउडर है ये। इनकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। इसी तरह ये पूनम का हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, और ये हमारे पास है पूनम का गरम मसाला पाउडर। इसकी पैकेजिंग में ये रेड है, ये ग्रीन, ये ऑरेंज। और हमारे पास मसालों में एक और चीज़ है, ये है हमारे पास पूनम का प्योर ज़ीरा पाउडर। तो ये इम्तियाज़ की कंपनी है पूनम, इसके हम मसाले काफ़ी अच्छे होते हैं, हम काफ़ी अच्छे से यूज़ भी कर रहे हैं। कैंडीज़ में हमारे पास एक नई आइटम है जो हमने पहले नहीं देखी, ये है कैंडी लैंड की चटपट इमली कैंडी। ये ₹2 की ऐसी 25 pieces हैं। ये भी इनकी नई एक आइटम लग रही है जो पहले नहीं देखी। ये चटपट इसका नाम है और उर्दू में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। तो ये कैंडी लैंड की एक नई कैंडी है, इमली फ्लेवर, आप खा के बताएंगे कैसी है। नेक्स्ट अब हमारे पास है ये पूनम का दाल चना अनपॉलिश्ड, और एक और कनौर चीज़ी चटपटा का पैकेट निकला है। इसके अलावा एक और मसाला हमारे पास ये है पूनम का काली मिर्च पाउडर, और सूखा दूध, नेस्ले एवरीडे का पैकेट चाय में डालने के लिए, कुछ डेजर्ट में भी डलता है। 230 ग्राम नेस्ले एवरीडे का ये पैकेट है। काफ़ी सारे फ्रूट्स और फ्रोजन आइटम्स वगैरह हम संभाल चुके हैं, चिकन गोश्त वगैरह, क्योंकि वो ख़राब हो रहा था, दूर से लेकर आए हैं। तो ये हमारे पास ऑरेंजेस हैं, ये भी इम्तियाज़ से, ये 6 oranges हैं। इसके अलावा हमारे पास ये पूनम का 5 kg का रिफाइंड शुगर, चीनी का इनका पैक है। इसके अलावा फ्रोजन आइटम्स कुछ हमारे पास हैं, आपको दिखा देते हैं। ये मनसलवा के हमारे पास सॉसेजेस हैं, हमने कैनन से यूज़ किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ते हैं हमें, बट ये भी अच्छे हैं। आप इसको ऑमलेट में, बर्गर्स में, काफ़ी सारी चीज़ों में, आपको नूडल्स, स्पेगेटी वगैरह में आप इनको जल्दी से काट के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बॉईल करके भी, फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओपा के गोल्डन स्वीट कॉर्न है, ये बहुत अच्छे कॉर्न होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं। हम इनको काफ़ी अर्से से ढूंढ रहे थे, बट ये अलफते वगैरह में शॉर्ट हुए हुए थे। तो ये ओपा के गोल्डन स्वीट कॉर्न है, ये बहुत मीठे, बहुत अच्छे कॉर्न है, ओपा के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे पास ये ओपा के क्रिंकल कट फ्राइज़ हैं, जो उनका वैल्यू पैक है, ये बहुत ज़्यादा 2 kg फ्राइज़ हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1000 के अंदर पड़े हैं। तो ये इनको फ्राई करना होता है, बस ये इनके कट हुए हुए होते हैं, थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन ये भी अब बजट से आउट ही हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ये सैनिटरी पैड्स हैं, ये ऑलवेज ड्रीम्स ऑल नाइट वैल्यू पैक, जिसमें, और ये है इनका ड्रीम्स का अल्ट्रा थिन, और ये मैक्सी थिक के 2 packs हैं। कुछ ये फ्रोजन आइटम्स हम फ्रिज में रख चुके थे, फ्रीजर से निकाल के लाए हैं। ये हमारे पास कैनन्स के डिलाइन मॉर्टर डेला स्लाइसेस हैं, हमने पहले इनके पेपरोनी स्लाइसेस भी यूज़ किए हैं, और इनके फ्रैंकफर्ट सॉसेजेस भी यूज़ किए हैं। मॉर्टर डेला स्लाइसेस हम अब फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। ये इट्स अ काइंड ऑफ अ पेपरोनी, बट ये स्लाइस इनका काफ़ी बड़ा होता है इनके साइज़ में, और टेस्ट भी आपको खा के बताएंगे किस तरह से है। उसके बाद ये हम पीके के चिकन नगेट्स लाए हैं, कैनन्स के मेन्यू के, मनसलवा के, काफ़ी ट्राई किए हम, नए से नए चिकन नगेट्स ट्राई करते रहते हैं। तो ये इस दफ़ा हम पीके के चिकन नगेट्स ट्राई करेंगे, जो कि 900 grams हैं, और इसमें नगेट्स की क्वांटिटी अभी मेंशन नहीं है। इसके अलावा हमारे पास है ये सब्रोसो के क्रिस्पी बर्गर पैटी, बर्गर वगैरह बनाने के लिए, और एक ये पैटी का पैक है, हमने कैनेज की पैटी भी ट्राई की है। तो बस बर्गर बंस में आप पैटी, चीज़ और डाल के पूरा बर्गर इंजॉय कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो ये
ये सारा सामान जो हमने आपको बारी बारी सारे आइटम अनबॉक्स करके दिखाए हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, कमेंट करें आपको कौन कौन से आइटम्स पसंद हैं, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।